जीएसटी में मारा, काला धन में मारा, अदानी को जिंदा किया, 1% का प्रधानमंत्री, भारत के 98.5% को जिंदा लाश बना दिया, घर से गैस सिलेंडर गायब, आटा गायब, चावल गायब, तेल गायब, सब्जी गायब, पनीर गायब, तो जब सब गायब अब मरेंगे ही, आत्महत्या करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग आए दिन ऐसी परेशानियों से जूझते रहते हैं जहां लोगों को अपने निजी वस्तुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के इस फैसले से लोगों में कहीं से संतुष्टि नज़र नहीं आ रही है। बढ़ती महंगाई, अग्निवीर योजना को वापस लेने और खाद्य पदार्थ पर लगी जीएसटी के खिलाफ आज जन अधिकार पार्टी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष की पप्पू यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश भर में एक दिवसीय धरना का सफल आयोजन किया गया। पार्टी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार मजबूती के साथ तब तक संघर्ष करेगी जब तक वह जनता और देश के हितों के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं कर देती। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि पप्पू यादव क्या कह रहे हैं लोगों के हित में। हे दादा, भारत में हम ही तो सर के पर आते हैं। हैरी के हैरी कना रहे हैं, लाइट बुक का कमा बने रहे हैं। साला कभी नेपाली नगर और कभी अग्निवीर, कभी आरबीआई, कभी बाढ़ और कभी कोरोना और कभी इसके पहले महंगाई, कभी किसान, पप्पू यादव के अलावे कोई सड़क पर है क्या? कब उतरेंगे? हम तो उतरले रहते हैं। हम चाहते कब है? 14 डिग्री में, 16 डिग्री में। लेकिन आपको नहीं लगता है जो बिहार का विपक्ष उसे जनता ने दिया है, जनता समझे, विपक्ष आएगा तो हम विपक्ष के साथ भी खड़े रहेंगे इस लड़ाई में। तो ये बंदी में मारा, जीएसटी में मारा, काला धन में मारा, अदानी को जिंदा किया, 1.5% का प्रधानमंत्री, भारत के 98.5% को जिंदा लाश बना दिया, घर से गैस सिलेंडर गायब, आटा गायब, चावल गायब, तेल गायब, सब्जी गायब, पनीर गायब, तो जब सब गायब अब मरेंगे ही, आत्महत्या करेंगे तो बचेगा क्या? तो इससे पहले बेहतर है कफन कपन पीली जीएसटी। अब भारत नजरिया से भी ज्यादा गरीब और अदानी दुनिया में सबसे अमीर, भारत गरीब, अदानी अमीर, तो उसके बाद जन अधिकार पार्टी के पास क्या बचता है? ये लड़ाई भारत बचाने की, अग्निवीर वापस की, छात्र जो मिडिल क्लास गरीब पढ़ेंगे उस पर जीएसटी वापस की, मिडिल और अपर मिडिल क्लास जो हेल्थ में नहीं जा पाएंगे उसको बचाने की, और भारत के महिलाओं को बचाने की लड़ाई। हर मुद्दे पर आप सामने अभी निकलेंगी, एक सप्ताह बाद नुक्कड़ सभा करेगी और उसके बाद अग्निवीर वापस पर युवा निकलेंगे कॉर्नर से, रोजगार पर छात्र निकलेंगे कॉर्नर से, और पार्टी निकलेगी एक कॉर्नर से। अगस्त में पार्टी जो जिम्मेदारी हमारी तय करेगी एक दिन में 15 किलोमीटर पदयात्रा करने की, उसके साथ निकलेंगे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंचेंगे। जब भारत विरोधी सरकार नहीं जाएगी तब तक ये लड़ाई जिंदा है। होम मिनिस्टर में है, SIT की रिपोर्ट देख लीजिए, 2024 की तैयारी है, कौन किससे बात किया, उस ये NI तय कर लिया। सर कोई आपने देखा है साक्ष? 2000 आपने साक्ष देखा? बिल्कुल, पुलिस ने दिखाया है साक्ष। क्या साक्ष दिखाया पुलिस ने? उसमें दिखाया गया है कि 2047 तक के देश, सर 2047 तक वो बुक क्या है उसको पढ़िए, उसको राजन सच्चर ने उद्घाटन किया था। सर वो 28 पे बात करेंगे आज, जीएसटी 28 को मेरा इसी पर कॉन्फ्रेंस होगा, चिंता मत करो।